नाविकों का 4 दिनों से चल रहा क्रमिक भूख हड़ताल 5वें दिन में प्रवेश। पहली बार लंबे समय तक बंद हुआ नौका का संचालन। मुआवजे की मांग कर रहे नाविक को दोनों दलों के नेताओं ने भी दिया आश्वासन। धरने पर बैठे नाविक परिवारों ने कहा, मांगे नहीं मानी तो तीसरे चरण में 26 सितंबर को 11 बजे से नर्मदा तट पर जल सत्याग्रह करेंगे। हमें जब तक NSDC प्रशासन लिखित में नहीं देता जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ओमकारेश्वर के नाविक संघ के अध्यक्ष कैलाश भवरिया ने बताया कि 5वें दिन प्रशासन की ओर से पुनासा SDM श्रीमती ममता खेड़े आंदोलन समाप्त कराने हेतु धरना स्थल पर पहुंची। उन्होंने बच्चों को कोचिंग, गृह उद्योग के माध्यम से महिलाओं के लिए उद्योग ट्रेनिंग तथा शासन से जो भी मदद हो सकेगी नाविक परिवार को प्रशासन दिलाने के लिए NSDC से चर्चा कर सहयोग की बात कही। SDM श्रीमती ममता खेड़े ने कहा, नर्मदा नदी पिछले 2 माह से लगातार बारिश के कारण नाविक परिवार की नावें एवं रोजगार पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इनके द्वारा दिए गए ज्ञापन को शासन एवं NSDC को पहुँचा दिया है। शासन स्तर पर जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे नाविक परिवार को सहयोग प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से ललित दुबे की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। अभी तक हमें उच्च अधिकारियों के रूप में मात्र खाली एक SDM मैडम हमसे आज मुलाकात करने तहसीलदार महोदय भी आए, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे एक लिखित रूप से आज एक दिन की मांग नहीं है, जीवन भर की परेशानियां हमें जीवन भर की परेशानियां हमेशा के लिए हल हो, इसी के लिए हमने ये लिखित आश्वासन जब तक हमें कोई नहीं देता है ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उनका यह कहना पड़ा है कि हम कलेक्टर महोदय से मिलवा देते हैं, लेकिन हमने कहा कि जब तक हमको लिखित अधिकारी कोई भी उच्च अधिकारी या उच्च लेवल के नेता कोई भी हमको जब तक लिखित आश्वासन नहीं देता है हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। कल हमारा आंदोलन जल सत्याग्रह की ओर उग्र करेगा। कल गोमुख घाट 11 बजे हमारा जल सत्याग्रह होगा। अगर इसमें अगर प्रशासन हमें बाध्य करता है तो हमारा वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। यह मांगे कि आज हमें बाढ़ प्रभावित मानकर विगत 4 माह से हम प्रताड़ित हैं, 2 माह से लगातार नावें बंद है, इसमें हमारी आर्थिक दयनीय स्थिति, हमारे घाटों पर दुकान लगाने वाले बेलपत्र फूल वाली महिलाएं एवं नाविक संघ काफी परेशान है। आने वाले समय में अगर मान लो इस प्रकार की आपदा होती है तो इसकी एक नीति बने जो किसी प्रकार से आगे भविष्य में हमें इस प्रकार का आंदोलन न करना पड़े और आर्थिक सहायताएं या मदद मिलती रहे। कवरेज कर रहे हैं, मामला क्या है आप लोग को अच्छे से पता है। नाविकों की जो समस्या है उसको हम लोग आगे उच्च स्तर पे पहुंचा चुके हैं और उनके सकारात्मक समाधान के लिए प्रयास जारी है, लेकिन इनमें से कोई भी मामला ऐसा नहीं है जिसको फौरी तौर पे स्थानीय स्तर पे समाधान किया जा सके। हम लोग को जिला प्रशासन का कलेक्टर महोदय का निर्देश भी है कि हम इनकी जो स्थानीय समस्याएं, जैसे ये अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो हम लोग उनके बेटरमेंट के लिए हम अच्छा कोचिंग, उनको अच्छा मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी उनको ऑफर भी दिया है इस बारे में, और जो कि जैसा कि ये लोग कहते हैं कि हमारा ये स्थायी समस्या है, ये बरसात में ये समस्या आती है, तो जो पैरेलल गृह उद्योग, कुटीर उद्योग या कहीं कोई नए स्टार्टअप्स के लिए इनको जो भी मदद लगेगी वो हम लोग करने के लिए इनको कहा है, ताकि ये भविष्य में इनका आर्थिक सशक्तिकरण ही ऐसा हो जाए कि ऐसी घटनाओं से इनको आगे जीवन स्तर में कोई फर्क ना पड़े। तो उसके लिए लोनिंग और ट्रेनिंग्स है, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए हम लोग इन दूसरों से बात कर लिए, यदि सहमत हो ऐसा हम लोग के लिए आगे भिजवा चुके हैं ये सब मांगे। NSDC ने भी अपने स्तर से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, प्रशासन से जो भी निर्णय होगा हम लोग इनको। सुरक्षा को लेकर हम लोग काफी सतर्क हैं और किसी की प्राण को कोई संकट हो ऐसे काम तो नहीं होने पाएंगे, और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम सभी के जान माल की सुरक्षा करें।